इसलिए दोस्तों आपने आना है YouTube में, और YouTube आने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर देखो आपको एक प्लस आइकन का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ शॉर्ट, इस पर आपने क्लिक करना है और अपना वीडियो को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आपने याद रखना इस वीडियो की लेंथ जो है वो 16 है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है ना आपने अपना जो सॉन्ग है या जो वॉइस वगैरह यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड किया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पेंसिल का आइकन है इस पर आपने सिंपल सा क्लिक करना है। आपका जो भी वीडियो हो, शॉर्ट वीडियो, उस पर आप थंबनेल सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी थंबनेल यहाँ पर सेट कर लेता हूँ डायरेक्ट, और मैंने सेट किया। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो के मुताबिक जो भी टाइटल है आपने उसको यहाँ पर लिख देना है। टाइटल लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सा दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने लिखना है स्लैश शॉर्ट, फिर उसको बंद करना है, फिर लिखना है वायरल, फिर बंद करना, शॉर्ट बंद करना है, और ट्रेंड बंद कर देना है। बस आपने इतना ही सा करना है, उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद देखते जाओ कि कितने लोग देखते हैं। वायरल लगाने से क्या होता है कि आपकी वीडियो वायरल में जाएगी, शॉर्ट वायरल में जाएगी, जितने भी शॉर्ट वगैरह होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप इस वीडियो।